नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी डांसिंग गाइड। मेरा नाम है प्रेश शर्मा और आज हमारी वीडियो है इस टॉपिक पर कि क्या नॉर्सेट साल में दो बार होगा। काफ़ी सारे YouTube चैनल पर ये वीडियोस वायरल हो रही हैं, WhatsApp चैनल पर, Telegram चैनल्स पर ये एक आज भी पोस्ट आई है कि शायद जून में एक्सपेक्टेड है नॉर्सेट दोबारा होना, साल में दो बार होगा। तो आज हम एक फैक्टिंग न्यूज़ लाए हैं आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कि क्या दो बार होगा या एक बार होगा कि या क्या प्रोसीजर है नॉर्सेट का। तो आइए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। तो देखिए बच्चों, हमें सारी की सारी जो न्यूज होती हैं उन पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना होता है, बट हाँ कभी कभार धुआं तभी निकलता है जब आग होती है ना। तो इस बारे में लास्ट ईयर भी एक न्यूज़ आई थी, एम्स ने एक मीटिंग रखी थी बाकी एम्स से भी कि क्या हम नॉर्सेट दो बार रख सकते हैं, ठीक है। बट नॉर्सेट 2022 एक ही बार हुआ था, वो निकल गया। अब 23 है तो अब एक व्हाट्सएप पे भी एक न्यूज़ आ रही है कि जून में शायद 23 पे जो नॉर्सेट हो सकता है, उसके बाद जो नवंबर दिसंबर में हो सकता है। तो बच्चों के मन में सवाल हो रहा है कि सर हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम तो सोच के बैठे हैं कि सितंबर में जो डेट आई थी हम उसके रिलेटेड ही हम एग्ज़ाम प्रिपरेशन करेंगे, तब आएगा। तो क्या है, कैसे करेंगे तैयारी, अगर एकदम से अभी आ जाएगा तो हम कैसे प्रिपरेशन कर पाएंगे, कैसे क्लियर होगा हमारा, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के मन में, इसीलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों के मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं। तो देखो बच्चों, इससे रिलेटेड एम्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, ठीक है। और रही बात जैसे कि आज व्हाट्सएप पे या कल कुछ मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि जून की डेट लाई है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर हॉस्पिटल्स को बोला गया है कि आप अपनी वैकेंसीज दीजिए। तो लास्ट ईयर और लास्ट टू लास्ट ईयर 21 में भी जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट या अदर हॉस्पिटल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं तो एक ऑफिशियल एक परफॉर्मा या फिर एक लेटर निकाला जाता है जो हर जगह उनको सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है। वो हमारे पास भी सबके पास आ जाता है कि देखो ऐसे ऐसी वैकेंसीज हैं, आपको जितनी वैकेंसीज है वो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए, उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट जो है हम देंगे। तो कहीं से भी एम्स की साइड से ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट हाँ हम इस बारे में और भी जो फैक्ट्स हैं, जो बातें हैं एडमिन से या फिर कहीं से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वो निकालें, ठीक है। आपसे करेक्ट से करेक्ट हम ऐसी बातें नहीं बोलते यूट्यूब चैनल की तरह आप तैयारी करना शुरू कर दो, इस साल होगा ही होगा। लास्ट ईयर भी ऐसी बात चली थी, इस साल भी दोबारा से अब ये बात हर जगह फैलने लग गई है। तो 100% ये न्यूज़ श्योर नहीं है कहीं भी, ठीक है, ना किसी के पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इस चीज़ के लिए। आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, ज़्यादा हड़बड़ाना मत कि एकदम से ओहो नॉर्सेट आ गया तो हम कैसे तैयारी करें जल्दी जल्दी ऐसे करके। जिस पेस में आप अपनी तैयारी करनी है उस पेस में करते रहिए, थ्योरी फिर क्वेश्चंस, आपके जो एप्लाइड क्वेश्चंस हैं, आपके जो टेस्ट सीरीज है, जैसे आप करना कर रहे हैं, जैसे हमने पहले प्रीवियस आपको बताया है, जैसे आपके कोचिंग वाले जो बताते हैं, उस प्रिपरेशन को आप वैसे जारी रखिए, ठीक है। किसी भी ऐसी नोटिफिकेशन के आने जाने से एकदम से अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी वो हम आपको अपडेट करेंगे। मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ कि देखो दो रीज़न होते हैं। पहले अगर कि एम्स जो है अगर दो बार नॉर्सेट करवाएगा तो उसमें सबसे बड़ा रीज़न यह होता है कि उसके पास वैकेंसीज ज़्यादा हैं कि एम्स के पास, और जो एम्स के जितने भी अलाइंड एम्स दूसरे वाले हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं या फिर जो कुछ भी अदर हॉस्पिटल्स होते हैं ऑटोनॉमस वाले, जो एम्स को बोल रहे हैं कि आप हमारा टेस्ट करवाइए और वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो एम्स जब एग्ज़ाम करवाएगा तो उस हो सकता है वैकेंसी ज़्यादा हो, इसीलिए वो दो साल में दो बार करवा रहा है। रीज़न तो सबसे बड़ा यही हो सकता है, बाकी दूसरा रीज़न और कुछ नहीं होता, ठीक है। इतना मेन कि हो सकता है कि जो हम वो करते हैं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है जॉब का, है ना, आपकी जॉइनिंग का, तो उसके रिलेटेड टाइम लगता है बच्चों को, बट वो रीज़न इतना बड़ा नहीं होता। मेनली जो बड़ा रीज़न है यही है कि बच्चों का जो ऑटोनॉमस जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स भी हैं कितनी, जो अप्लाइड उनको बोल रही थी कि अप्लाई कर लीजिए इस रूल को और हमारे लिए भी एग्ज़ाम करवा दीजिए, है ना। तो हो सकता है उसकी वजह से हो, बट ऐसा कुछ ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। तो अपनी पढ़ाई रखिए, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ हमें मिलेगी हम तुरंत आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो,
या कुछ भी सुझाव हमसे मांगना हो तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम लिंक, आप हमसे आके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।